वाह, देख सकते हैं ना कितना सॉफ्ट है, कितना यम्मी दिख रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप भी अपने घर में बना सकते हैं। मैंने लिया है कैबेज एंड कैरेट, और उसको मैं अभी कद्दूकस करूँगा, और कद्दूकस करने के बाद धनिया पत्ता को भी फाइनली चॉप्ड करके उसमें डाल के उसको मिक्स कर दूँगा। और आप उसके साथ साथ थोड़े से कॉलीफ्लावर और कुछ बीन्स वगैरह भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इधर बस कैबेज कैरेट एंड धनिया पत्ता का ही यूज़ किया। तो अभी मैं इसको मिक्स कर दूंगा। अभी मैं नमक, थोड़ा जिंजर गार्लिक की पेस्ट और थोड़ा गरम मसाला डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगा, सो दैट सब कुछ उसके अंदर चले जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। और मैंने इधर लिया है 3 टेबलस्पून मैदा और 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर भी लिया है। और मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर को धीरे धीरे करके डाल के उसको मिक्स करूँगा। एक साथ सब कुछ डालने से वो अच्छे से मिक्स नहीं होता, सो धीरे धीरे करके हम डालेंगे और उसको मिक्स करते जाएंगे। एंड फाइनली सारे मैदा और सारे जो कॉर्नफ्लोर जो बचे हुए हैं उसको डाल के हम अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होता है दोस्तों, एक अच्छा सा एक बाइंडिंग बन जाता है। अभी सब कुछ अच्छे से मिक्स होने के बाद हम मंचूरियन बॉल बनाएंगे। देखिए मैंने कैसे से मंचूरियन बॉल बनाया है, बहुत ही इजी है, आप भी आराम से कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम जो मंचूरियन बॉल लिए थे उसको एक एक करके फ्राई करेंगे। देखिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, उसमें तेल गरम करके एक एक बॉल को मैं कैसे डाल के इसको फ्राई करूंगा अभी। और फ्राई करने का तरीका ये है कि जब ये गोल्डन ब्राउन बन जाए उसको निकाल देना है दोस्तों। मैं इधर 7 से 8 लहसुन लिया था, उसको मैं छोटे छोटे काट दिया था, उसको अभी मैं फ्राई करूंगा। ज़्यादा नहीं, 20 to 30 सेकंड्स तक फ्राई करना है, क्योंकि वो उसका जब कलर बन जाए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा जितना भी आप ऑनियन काटे थे उसको आप उसको भी हम डाल के फ्राई करेंगे। और जब ऑनियन जब तक गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक हम उसको फ्राई करते रहेंगे। और ऑनियन गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसमें हम कैप्सिकम भी डाल देंगे, पर कैप्सिकम को ज़्यादा फ्राई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी ग्रेवी के लिए थोड़ा हम सोया सॉस, थोड़ा टमाटो केचप और थोड़ा रेड चिली सॉस भी आप डाल सकते हैं, आप अपने स्वाद के हिसाब से ज़्यादा या कम रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। और ये सब डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कीजिए, और हमने जो मंचूरियन बॉल बनाया था उसमें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और हमारा वो जो ग्रेवी का कलर आ जाएगा, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर आया है। और अभी थोड़ा ज़्यादा आपको ग्रेवी चाहिए, थोड़ा पानी डाल के उसको थोड़ा मिक्स कर देते हैं। मैंने इधर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें थोड़ा पानी डाल के लिक्विफाई करके मैं ग्रेवी में डाल दूंगा। कॉर्नफ्लोर यूज़ करने से हमारा वो ग्रेवी जो है वो बाइंड हो जाएगा, और उसके बाद उसको लो फ्लेम में थोड़ा रखेंगे, और मैं सीजनिंग के लिए उसका थोड़ा ग्रेवी अभी टेस्ट करूँगा, और टेस्ट करने के बाद अपने टेस्ट के मुताबिक मैं नमक डालूँगा। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। गार्निशिंग के लिए आप स्प्रिंग ऑनियन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास स्प्रिंग ऑनियन अवेलेबल नहीं था, सो मैंने कोरिएंडर लीव्स को फाइनली चॉप्ड कर दिया है, और उसको मैं इधर गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगा।